समय पहले तक आमिर खान को इस देश में रहने से डर लगता था। वो ये देश छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही लाल सिंह चड्ढा रिलीज हो रही है, उन्हें फिर से इस देश से प्रेम हो गया है। बहुत ही ज्यादा वो चाहते हैं कि मैं इसी देश में रहूं, ये मेरा देश है। आखिर ये इतना ज्यादा सडन चेंज कैसे आ गया? और वहीं करीना कपूर की हम बात करें तो वो कुछ समय पहले तक तो कह रही थी, अरे भाई क्यों आते हो मेरी फिल्म देखने के लिए, लेकिन अब वही कह रही है कि प्लीज आओ हमारी फिल्म देखने के लिए, प्लीज इसे बॉयकॉट मत करो। लेकिन अब बात यही आती है कि आखिर बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड क्यों कर रहा है? सोशल मीडिया पर जोर शोर से लोग कह रहे हैं कि प्लीज बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, वहीं आमिर खान लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज मेरी मूवी को बॉयकॉट मत करो, प्लीज मेरी मूवी देखने के लिए जाओ। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि रिलीज होने से पहले ही लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा है इस मूवी को लेकर? ऐसा क्या है इस मूवी के अंदर कि सभी लोग इसे बॉयकॉट करना चाह रहे हैं? मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान ने आखिर ऐसी क्या गलती कर दी है कि उनकी मूवी को सभी लोग बॉयकॉट कर रहे हैं? अब ये किसी की साजिश है या फिर आमिर खान की ही कोई स्ट्रेटजी? क्या इसके पीछे आमिर खान का ही मास्टरमाइंड है कि लोग इन्हें बॉयकॉट करेंगे ताकि और भी ज्यादा मार्केटिंग होगी, और भी ज्यादा पब्लिसिटी होगी? क्या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है? अगर आप भी जानना चाहते हैं बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा के पीछे का असली सच, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सुपरस्टार आमिर खान की वैसे तो हम कहें तो मुश्किल से साल में एक मूवी आती है, लेकिन वो मूवी भी दर्शकों पर जरूर छाप छोड़कर चली जाती है। कुछ होती है उनकी स्टोरी लाइन की वजह से, उनकी बेहतरीन अदाकारी की वजह से, या फिर कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से। अब इनकी जो नई फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा, वो भी कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर ही है। वो स्टोरी लाइन और उनकी बेहतरीन अदाकारी को लेकर नहीं, बल्कि इस बार कंट्रोवर्सी का रीजन कुछ और ही है। वैसे स्टोरी लाइन की अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्टोरी के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि ये फॉरेस्ट गंप जो कि हॉलीवुड की मूवी है जिसमें टॉम हैंक्स थे, उसी की रीमेक है। अब बात करते हैं लाल सिंह चड्ढा की कंट्रोवर्सी के बारे में, तो ये इतना ज्यादा बॉयकॉट क्यों हो रहा है? क्यों लोग अपील कर रहे हैं कि भाई प्लीज मत देखने जाओ, और वहीं आमिर खान बोल रहे प्लीज भाई देखने के लिए आओ? तो इसके पीछे का कारण थोड़ा सा अलग है। आमिर खान और करीना कपूर के द्वारा कहे गए बयानों के वजह से ही ये मूवी बॉयकॉट हो रही है। तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि इसका रीजन क्या है। आमिर खान ने कुछ समय पहले इस देश में बढ़ रहे इनटॉलरेंस को लेकर कहा था कि मुझे इस देश में रहने से डर लगता है। उनकी जो पहले जो उनकी पत्नी थी किरण, उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या हम ये देश छोड़कर जा सकते हैं। इवन वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को लेकर इस देश को छोड़कर जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा असहिष्णुता है। अब इसके अलावा आमिर खान की पीके मूवी भी है जिसकी वजह से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। लोगों का कहना है कि कैसे आमिर खान ने पीके मूवी के अंदर भगवान का मजाक उड़ाया था और हिंदू धर्म और विचारधारा का अपमान किया था। अब लोगों का कहना है कि उनके लिए ये जो मूवी है लाल सिंह चड्ढा वो इंटॉलरेंस है। अब लोगों का कहना है कि अगर वो इस देश में रहना टॉलरेट नहीं कर सकते हैं तो उनकी मूवी लाल सिंह चड्ढा भी हमारे लिए इंटॉलरेट है। आमिर खान ने अपने एक शो सत्यमेव जयते में ये भी कहा था कि शिवजी पर 20 रुपए का दूध चढ़ाने से अच्छा मैं किसी गरीब को खाना खिलाना ज्यादा सही समझूंगा। अब इसी बात पर लोग ये कह रहे हैं कि उनकी मूवी लाल सिंह चड्ढा पर पैसे खर्च करने से ज्यादा अच्छा है कि हम किसी भिखारी को या किसी गरीब इंसान को खाना खिला दें। अब करीना कपूर खान की बात करते हैं तो उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रही हैं, जिसमें वो नेपोटिज्म के ऊपर बोल रही हैं कि स्टार किड्स के पीछे लोग ही भागते हैं, आप क्यों आते हो हमारी फिल्म देखने, मत आओ। तो अब लोग कह रहे हैं ठीक है हम नहीं आएंगे इस बार आपकी फिल्म देखने के लिए। तो अब आप ही को परेशानी हो रही है इससे। ये तो रही अब इनके बयान की बात, लेकिन कुछ समय पहले कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि इस फिल्म को बॉयकॉट करने के पीछे मास्टरमाइंड आमिर खान का ही हाथ है। कंगना ने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो अपकमिंग फिल्म है लाल सिंह चड्ढा को लेकर जितनी भी नेगेटिव बातें हो रही है उन सब के पीछे आमिर खान का ही हाथ है। मास्टरमाइंड आमिर खान ने दिमाग लगाकर ही ये सारी नेगेटिव जितनी भी बातें हैं वो सारी शुरू की हैं, क्योंकि इस साल अभी तक बस एक कॉमेडी फिल्म का सीक्वल है जो कि हिट हुआ है, लोगों को पसंद आया, बाकी कोई भी मूवी हिट नहीं हो पाई है। कंगना आगे लिखती हैं कि भारतीय संस्कृति से जुड़ी जो मूवीज है उन्हें ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है, स्पेशली साउथ की मूवीज को, या फिर वो मूवीज जिनमें लोकल फ्लेवर है उन्हें ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखा जा रहा है। एक हॉलीवुड रीमेक फिल्म वैसे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, लेकिन अगर इंडिया को इनटॉलरेंट कहेंगे तो हिंदी फिल्म मेकर्स को ऑडियंस की
नब्स को समझने की जरूरत है। कंगना ने लिखा है कि ये फिल्म हिंदू या मुसलमान होने के बारे में नहीं है। आमिर खान जी ने हिंदू फोबिक फिल्म पीके बनाई और भारत को इंटॉलरेंट कहा और लाइफ की सबसे बड़ी हिट फिल्में दी। प्लीज इसे धर्म या किसी भी विचारधारा से जोड़कर बताना बंद करें। ये उनकी खराब फिल्मों और खराब एक्टिंग से अलग बात है। खैर, ये सब कुछ कंगना दीदी का कहना है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ये लोगों का गुस्सा है या फिर आमिर खान की ही कोई स्ट्रेटेजी जिससे कि उनकी फिल्म को ज्यादा प्रमोट कर पाए, ज्यादा मार्केटिंग हो पाए? क्या ये उनका कोई पब्लिसिटी स्टंट था? आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उससे ज्यादा भी शेयर करें।